फालतू दवा खाए जा रहे हो, बीमारी को और बढ़ाए जा रहे हो और बोल रहे हो कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बाबा हेल्थ केयर पर। दोस्तों आज मैं बात करेंगे हर एक युवा में होने वाली सामान्य सी प्रॉब्लम नाइटफॉल, स्वप्न दोष की समस्या को। दोस्तों इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है बीमारी है। दोस्तों मुझे भी समस्या थी नाइटफॉल की, स्वप्न दोष की, मेरा भी ठीक हुआ है। क्या आपका ये सही होगा और वो भी एक दिन, सिर्फ एक दिन में। चलिए देखते हैं वो उपाय कौन सी है। नाइटफॉल, स्वप्न दोष, उसके लिए और भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है जो अभी भी बचपन की अवस्था से यौवन की अवस्था में की तरफ पधारे हैं, तो उसको पता ही नहीं होता है नाइटफॉल होता क्या है। जब उसके साथ ये गुजरने लगता है उसको पता ही नहीं होता है कि अब मेरा उम्र बढ़ रहा है, मेरा अंडकोश में सेमन की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या करता है, फालतू का है, प्रचार वगैरह देखता है पेपर में, न्यूज़पेपर में, और फालतू फालतू दवाइयाँ खाने लगता है। इससे होता क्या है, उसको तो फायदा कुछ होता नहीं है और जहाँ तक होता है नुकसान ही होता है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आज। दोस्तों नाइटफॉल, स्वप्न दोष, यह कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको महीने में एक बार अगर आपको नाइटफॉल, स्वप्न दोष की समस्या होती है तो यह कोई बीमारी नहीं है। या आपका यह हफ्ते में भी होता है तो यह कोई बीमारी आपको नहीं, उसको नहीं मान सकते। लेकिन अगर आपको ये एक दिन बाद सभी रोज हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी संकट बन सकती है। इससे हुआ क्या, आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है और इसके कारण आप कमजोर पड़ सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। दोस्तों आपको करना क्या है, उपाय बाबा हेल्थ केयर है ना दोस्तों, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। दोस्तों बाबा हेल्थ केयर है। अगर आपको यह वीडियो सही जानकारी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाबा हेल्थ केयर के साथ बने रहिए। स्वप्न दोष होने के कारण दोस्तों यही है कि आप लोग अश्लील वीडियो देखते हैं, आप लोग के दिमाग में अश्लीलता भरी है। जिसके दिमाग में अश्लीलता कम होगी उसको नाइटफॉल की समस्या भी कम होगी, स्वप्न दोष की समस्या भी कम होगी। जब युवा लोग बचपन से युवा के जब बढ़ते हैं तो होता क्या है, ये देखो दोस्तों ये नेचुरल है, ये होगा ही, क्योंकि वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और वो सेक्स हार्मोन बढ़ने लगता है तो होगा ही। तो आप लोग गलत तरह के वीडियो देखने लगते हैं, गलत तरह के ख्याल रहता है, तो उसको पहले आप दूर कीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अश्लील वीडियो कम देखिए। और हस्त मैथुन किस का भी बड़ा समस्या आ रहा है, हस्त मैथुन भी दोस्तों आप इसको कम कीजिए। आपका नाइटफॉल की समस्या वहीं से शुरू होता है, अगर आप हस्त मैथुन नहीं करेंगे तो समस्या आएगी ही नहीं। अगर आप अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे तो समस्या आएगी ही नहीं। तो इसलिए कह रहे दोस्तों ये सब जितनी भी आपकी गलत आदत है उसको तो पहले आप छोड़िए, अभी छोड़िए, आज ही छोड़िए, क्योंकि यह इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, ये फालतू की चीज है। दोस्तों मुझे भी नाइटफॉल, स्वप्न दोष की समस्या हुई है, मेरे साथ भी ये हुई है और आपके साथ भी होगा, हर युवा के साथ होता ही है और आप जो भी युवा होंगे उसके साथ होगा ही होगा, ये नेचुरल है। तो इसका उपाय है, मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा कि हाँ आप ये कीजिए, ये नेचुरल उपाय है, एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये फालतू की बातें हैं। हाँ कुछ कम होता है, जैसे आपको रात में सोने से पहले आपको पानी पीना है, पानी पी के सोना है, पैर को धो के सोना है, आपको हाथ मुंह धो अच्छे से धोना है, उसके बाद ही आपको बेड पे सोना है। इससे क्या होगा, इससे देखिए पेट में गर्मी के कारण भी होता है, जिसको ज़्यादा गैस बनेगा उसको ज़्यादा नाइटफॉल भी होगा, इतना भी जान लीजिए। तो पेट में गर्मी के कारण भी होता है, और जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसके साथ भी समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके तारु गर्म हो जाते हैं और इस कारण भी समस्या होती है। तो मेरा कैसे ठीक हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी उपाय बहुत किया नेचुरल कि हाँ ठीक है कैसे होगा, मैं भी समस्या में पड़ा था तो मैंने बहुत सारी दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और हाँ आप लोग को भी सलाह दूंगा, आलतू फालतू कोई दवाई मत खाइए, इससे आपको नुकसान होगा। आपको करना क्या है, आपको सभी रोज सोने से पहले पैर हाथ अच्छी तरह से धो के सोना है, और आपको एक गिलास ठंडा पानी पी के सोना है सोने से पहले,
इससे आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, पूरी तरह समस्या खत्म नहीं होगी आपकी, बता रहे, एक नेचुरल मेडिसिन है, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसे खाया और मुझे समस्या एक सप्ताह में ठीक हो गई और अब तक नहीं हो रही है। समझ पा रहे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? दोस्तों वो दवा है दोस्तों कॉन्फिडो, देख पा रहे हो दोस्तों, हिमालय की कॉन्फिडो है, ये प्योर आयुर्वेदिक और नेचुरल है दोस्तों, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाया है दोस्तों, मैं आई बटन पर लिंक आ रहा हूँ दोस्तों, आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा दोस्तों। इसमें एक दवा होती है, एक जड़ी है, बूटी है दोस्तों, सेलियम दोस्तों। उसकी खास गुण यह है वो ठंडी प्रवृत्ति की होती है, और इससे होगा क्या, आपके एक सप्ताह में नाइटफॉल की समस्या हमेशा के लिए खत्म, या फिर समस्या आपको जीवन फिर दोबारा नहीं होगी, मेरा गारंटी है दोस्तों। मैंने इसको खाया है, मैंने इसको आजमाया है, यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, मैंने इसको आजमाया है, मुझे मैंने खाया है, और मैं लोगों को सलाह भी देता हूँ, अपने दोस्तों को सलाह भी। दोस्तों आपको इसको लेना है कैसे, अगर आपकी नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा हो रही है तो आपको दो टेबलेट सुबह और दो टेबलेट शाम सोने से पहले और नाश्ता के बाद आपको इसको लेनी है। अगर प्रॉब्लम कम है तो आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आप ले सकते हैं दूध के साथ। अगर आपको दूध से एलर्जी है या दूध की कोई प्रॉब्लम है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी एक सप्ताह में, बाबा हेल्थ केयर का गारंटी है दोस्तों, आप इसको जाके लीजिए। हाँ, आपको ये दवा कहाँ मिलेगी, ये दवा आपको दोस्तों हर मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। यही जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका समस्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या बाबा के हेल्थ के गलत जानकारी दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें।